Hey, what's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video and guys, आज हम लोग खेल रहे हैं GTA 5 में एक बार दोबारा से Runners versus Cars Challenge. तो guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, we are once again back with this new type of challenge. और guys, इस बार हम लोग हैं drivers की टीम में. तो basically chop जो है वो भागेगा and अपन लोग भगाएंगे. फंडा बहुत सिंपल है guys. तो चलो फटाफट से chop का शिकार करते हैं. एंड ये भाई साहब कहाँ छुप के बैठे हैं? तो भाई देखो, मेरे को क्रेट से बाहर निकल ले तो भाई बहुत ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है मेरे को. अरे निकलो निकलो दोस्त, टेंशन काहे लेते हो. ये देखो भाई कैसा छुप के बैठा हुआ है. अबे निकलना. ओ फाइनली निकला है. ऑलराइट गाइस, तो चॉप यहां पर काफी तेजी से भाग रहा है और बस के अंदर छुप के बैठ गया भगोड़े. बाहर निकलना हिम्मत नहीं है क्या भाई? भाई हिम्मत तो है, लेकिन आप गाड़ी चढ़ा दोगे भाई मेरे ऊपर. ओ भैया देखो भाई, तुम्हारे चक्कर में देखो हमारी गाड़ी कैसे नीचे गिर गई ब्रो. अब क्या करेंगे अपन लोग गाइस? वैसे अच्छा रास्ता दिया इन लोगों ने, नहीं तो नीचे अटके रह जाते भाई. चलो फटाफट से यू टर्न मारते हैं. एंड अरे अरे, खड़ा होकर डांस कर रहा है वहां पे. भाई यहां नहीं पकड़ सकते हो मेरे को. आ रहा भैया, मार दिया आपने. ओ क्या बात है, व्हाट द हेल, मार के गिरा भी दिया. और नाचो भाई अपने सामने. ऑलराइट, टाइम फॉर राउंड नंबर 2 ऑफ रनर्स वर्सेस कार्स लास्ट टीम स्टैंडिंग. तो गाइस, पिछले राउंड में चॉप हीरो बनने के चक्कर में मारा गया एंड अपन लोग वो गलती दोबारा नहीं करेंगे. जी हाँ, अपन लोग चॉप के जैसे नूब्स नहीं है भाई, अपने को उस पार पहुंचने का है. तो गाइस, ये रास्ता जो है बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा होने वाला है, बट डोंट वरी, हम लोग किसी तरह पार कर लेंगे. अभी मेरे को यार इस चॉप के बच्चे से बच के रहना. अबे क्या कर रहा है, कहां उछाल रहा है? ओके भाई, मैं टेस्ट कर रहा हूं कि मरा तो मरा कैसे मैं भाई. अबे मैं भी खुद कंफ्यूज हूं यार. और ये बंदा देखो गाइस, चीट करने के लिए पहले ही निकल गया है भाई. एक गजब चीटर आदमी हो भाई तुम. चलो जब तक तुम चीट करो, अपन लोग भाई उधर पहुंचते हैं. ऑलराइट गाइस, काफी तेजी में भाग तो रहा हूं मैं, बट इट सीम्स लाइक कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ चुके हैं रास्ते में. चलो एक के बाद एक इनके ऊपर खड़े होते हुए जाते हैं. ओ भाई आराम से आराम से, पैर फिसल गया तो मर जाएंगे. ओ ये देखो चॉप को. अबे तेरे को क्या लगता है यहां मारेगा मेरे को? भाई कोशिश करने में क्या जाता है भाई, आप तो ऐसा बोलते हो, मैं कोशिश भी नहीं कर सकता हूं ब्रो. अरे कोशिश कर लो भाई, जाओ. देखो गाइस, गाड़ी भगा रहे नीचे, बट अफसोस दोस्त बहुत लेट हो गई तुम्हारी कोशिश में, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिनिश लाइन तक पहुंच चुका हूँ. एंड वो लुक एट दिस, कितना मजा आएगा. भाई 2 मिनट रुक जाओ भाई, मेरे को एक बार गाड़ी ऊपर पहुंचाने दो ब्रो. अरे अरे मेरे दोस्त, ये ले भाई, तूने मेरे लिए डांस किया था, मैं भी तेरे लिए एक छोटा सा डांस करता हूँ. लेकिन इस डांस में दोस्तों पैसा उड़ाया जाएगा. आपको तो पता ही है भाई, अपन लोग रेसेस जीत जीत के कितना पैसा कमा चुके हैं एंड वी हैव ऑल दिस मनी. तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा उड़ा देते हैं चॉप के ऊपर. ओ भाई, एक एक बार में $1,000 निकल रहे हैं. अब भाई मुंह फूट गया मेरा. ओ माय गॉड गाइस, मेरे पास कितना सारा पैसा है, $1.842 million. ऑलराइट, उसको कभी और काउंट करेंगे. अभी के लिए लेट्स गेट इनसाइड द टैंक. एंड टैंक तो भाई यहाँ पे बहुत बवाल दिए. ऐसे टैंक के अलावा कुछ और भी देना चाहिए था भाई. टैंक मेरे को, मतलब सिर्फ टैंक नहीं, कम से कम यार प्लेन देना चाहिए था, हेलीकॉप्टर्स भी चलते, लेकिन इन लोगों ने डिसाइड किया है कि सिर्फ टैंक मिलेगी दोस्तों. भाई मैं तो नीचे छुप के बैठ जाऊंगा भाई, ऊपर आऊंगा ही नहीं आपसे मिलने. अबे कैसा भगोड़ा आदमी है भाई, सामने आ जाए यार. गाइस मैं कैसे जाऊं, मेरे को नीचे आना पड़ेगा इसके लिए. भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी आओ भाई. ओए चॉप के बच्चे, देख रहा है कैसे तेरी सारी की सारी गाड़ियां एक्सप्लोड कर दी. रुक भाई, अब आता हूं मैं नीचे. ऑलराइट गाइस, तो चॉप हैज डिसाइडेड कि वो ऊपर नहीं आने वाला है एंड भाई वो जाके छुप चुका है नीचे. अब हमारा टास्क है उसको ढूंढ करके एलिमिनेट करना. और ये देखो कितनी सारी गाड़ियां है इधर गाइस, एक एक करके सबको फोड़ दूंगा मैं. भाई देखो मेरे को ढूंढते के साथ मत मारना भाई, थोड़ा समय देना मेरे को. ठीक है दोस्त, समय तुमको देंगे, लेकिन भाई पहले मेरे को तो बचने दो. ओए ओए ओए, ये टैंक को क्या हो रहा है भाई. ऑलराइट, तो गाइस अभी तो बहुत टाइम है, तुरंत नहीं मारूंगा मैं इसको. चलो चॉप तुम्हारे साथ एक चैलेंज करते हैं ब्रो. हाउ अबाउट, अरे अरे ये क्या हो गया इसको. हाँ गाइस, चैलेंज ये है कि चॉप देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करने वाला हूँ एंड तुम्हारा गोल होगा कि तुमको तब भी पार करके ऊपर चढ़ना है, क्या बोलते हो? भाई लेकिन मैं तो पहले से ही चढ़ के भाग चुका हूँ भाई. अबे नहीं, दोबारा गिरो भाई, ये चैलेंज है, नहीं तो सोच लेना मैं ऊपर आके गोली मार दूंगा तुमको. भाई ये कैसा वाहियात चैलेंज दे रहे हो भाई, रुको आता हूँ नीचे. अबे कैसे गिर रहा है, उल्टा पुल्टा होके गिर रहा है भाई, सीधा तो लैंड करना सीख ले. ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पर ब्लॉक कर दी है. चॉप काफी तेजी से आ रहा है और मार के उड़ा दिया. ओ भाई अरे अरे, इसको मारने के चक्कर में मेरे टैंक का बैलेंस बिगड़ गया है गाइस. एंड अरे टैंक कैसे टिल्ट कर गई है. ओके भाई यही मौका है, निकल रहा हूं मैं. अबे नहीं, बच नहीं सकता है तू, रुक तेरी ऐसी की तैसी, अभी बताता हूं इसको. तो भाग गया भाई. देखो यार चॉप का बच्चा भगोड़ा कहीं का. बताओ एक एक बार तो मौका मिला था इससे लड़ने का, उसमें भी भाग रहा है भाई. ओए चॉप, मैंने तेरे को बोल दिया भाई, सामने आ जा. ओ शिट, अबे फिर गिर गई. भाई कैसी वाहियात गाड़ी मिली है भाई आपको. अबे मैं खुद कंफ्यूज हूं भाई, ये गाड़ी कैसी घटिया गाड़ी है भाई. ये टैंक ना एकदम भी अच्छी नहीं है भाई रैंप के ऊपर चढ़ने के लिए, एटलीस्ट इतना तो पता चल गया अपने को. बट ये कहां जाके छुप गया है भाई, अब ये मुंह ही नहीं दिखाएगा. अबे भाई प्लीज मुंह दिखा दे यार, देख तेरे लिए मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ इधर से उधर. लेट मी सी, इधर से दिखेगा क्या ये. ओए
अबे कहाँ चला गया? ओए कूद फांद करेगा, ये ले भाई बहुत हो गया इसका नाच भाई, अब दिखाते हैं इसको, लेट्स गो गाइस, एक और राउंड हमारे नाम। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर रनर्स वर्सेस कार्स राउंड 3, एंड अपन लोग फिर से रनर्स नहीं, अच्छा इस बार ड्राइवर्स बने। एक्चुअली गाइस अभी तक अपन लोग 2 राउंड जीत चुके हैं, तो हमारा जो स्टैंडिंग है ना भाई इस पूरे के पूरे मैच में काफी अच्छा है। और गाइस आई डोंट थिंक चॉप जो है अपने को हरा पाएगा, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। भाई यार आप तो राइम करा के बेइज्जती मारते हो भाई। अबे तो भाई ये और देखो कैसे जा रहा है ये, अभी उड़ा देता है इसको मैं। अबे क्या हो गया फॉक्ट भाई? अरे पैर फिसल गया, जमीन पे गिर गया था, एक सेकंड रुको भाई। अबे रुकना बुकना नहीं है दोस्त तुम्हारी, देखो फिर से नाच रहा है बेशरम आदमी, इसको शर्म नहीं है भाई। बोल भाई बस के अंदर घुसा के मार दूं क्या तेरे को? फॉक्ट भाई आप बस के अंदर घुसा भी नहीं सकते हो भाई, बस बहुत छोटी है ब्रो। अच्छा ठीक है, एक समय आएगा दोस्त अपन लोग उसको भी अटेम्प्ट करेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी के लिए मेरे को तुम पे फोकस करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस टाइम यहां पर से एक यू टर्न मारने का, चॉप इस मौके का फायदा उठा के ऊपर चढ़ चुका है, लेकिन यहां पर पता नहीं मैं मार पाऊंगा कि नहीं, या हर बार इतना आसान नहीं होगा। ओ भाई गाड़ी बचा ली मैंने, देख रहा है चॉप? फॉक्ट भाई आपको नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या चीटिंग कर रहे हो भाई? चीटिंग उस समय नहीं दोस्त, अभी करेगा। ये देखो जबरदस्त तरीके से गाड़ी लैंड कर दी है भाई, वो भी रैंप के ऊपर। तो गाइस चलो निकलते हैं यहां पर से, चढ़ान शुरू करनी पड़ेगी, थोड़ा तो यहां पर स्टीप बनाया है इन लोगों ने, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी दैट डिफिकल्ट गाइस, देख रहे हो? फॉक्ट भाई अच्छा नहीं क्या आपने भाई? बताओ यार गाड़ी लैंड करा दी भाई। अरे अब क्या बताओ दोस्त, अच्छा करते तो भाई ऐसे ही थोड़ी मैच जीत जाते। चलो चलो जल्दी आगे भागते हैं भाई, चॉप के बच्चे आज तो तुम मरने वाला है। ओ रे भैया कैसे एकदम घुलाटी मार के गिरा करते। और लेट्स गो, सामने टैंक है, जल्दी बैठो भाई टैंक के अंदर, रुकना वुकना नहीं है भाई अपने को। भाई नहीं 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 भाई मेरे को टैंक के अंदर बैठने दो ब्रो। नहीं दोस्त मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। अच्छा तुम्हें नहीं सुनना, ये लो भाई। भाई आपने तो टैंक चढ़ा दिया सीधा मुंह के ऊपर, ऐसे कौन मारता है भाई? ऑलराइट गाइस टाइम फॉर राउंड नंबर 4 ऑफ रनर्स वर्सेस कार्स। तो चॉप ने बोला था पिछले राउंड में यार कि भाई ऐसे कौन मारता है, मैं बताता हूँ दोस्त, ऐसे अपुन लोग मारते है भाई। इसके मुंह के ऊपर टैंक चढ़ाया, इसको बड़ा बुरा लगा यार, लेकिन अपने को इतना बुरा नहीं लगा दोस्त, क्योंकि याद रखना तुमने भाई बहुत ज्यादा डांस किया था ना हमारे सामने, ये वही डांस का बदला है दोस्त। ऑलराइट गाइस लगता है चॉप जो है वो यहाँ पर अपनी आतिशबाजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी लैंड नहीं की, तो चीट करने की कोशिश कर रहा था ना चॉप। भाई देखो चीट करने की कोशिश कर तो रहा था मैं, लेकिन इतनी आसानी से चीट नहीं कर पाया ब्रो। अरे कोई ना दोस्त, वो क्या है ना कि सबके पास चीटिंग करने की स्किल्स नहीं होती है। देखो फिर से आ गया चॉप के बच्चे, चीट नहीं करना। अबे चीट कर लिया शिट मैन, अब इसको रोकना पड़ेगा गाइस, वी कैन नॉट लेट हिम गो। अरे मर जा चॉप तेरी ऐसी की तैसी। भाई ऐसे कैसे, अरे चीट करने के बाद भी आगे निकल गए, बताओ भाई क्या दिन आ गए फिर। अरे दोस्त तुमको बोला ना तुम नूब आदमी हो भाई, चल चल जल्दी आगे जाते हैं गाइस। आई डोंट हैव एनी आईडिया कि भाई मैं आगे कैसे हूँ, लाइक चॉप ने चीट की थी मैंने भी चीट की है। दोनों के बीच में यहाँ पर टैंक तक पहुंचने की लड़ाई चल रही है, देखते हैं कौन आगे पहुंचता है। ओ मेरा बंदा काफी आगे आ गया, चल चल जल्दी खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो जा। अबे नूबड़े कैसे खड़ा हो रहा है भाई यार, इसको मतलब खड़ा तक नहीं होने होता है। भाई देखो टैंक के अंदर पहले मैं बैठूंगा भाई। अबे तू बैठता रहे, अब टैंक वॉर्स होगा गाइस। और ये क्या कर रहा है, एक्स बनाएगा क्या बेटा? मेरे पास भी टैंक की नोके, समझ गया, उधर घुमा ले चल इसको। भाई आपको पहले उड़ा के रहूंगा ब्रो, चल भाई तेरे अंदर घुसा के अभी चलाता हूं, ये ले। और ये टैंक उलट डाला है, एक और फाइनल शॉट के साथ चॉप का गेम ओवर। तो गाइस देखा, इसीलिए बोलता हूं फ्रॉस्टी भाई से पंगा कर दूंगा दंगा, और चलो अगले राउंड में चलते हैं। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम फॉर राउंड नंबर 5 ऑफ लास्ट टीम स्टैंडिंग रनर्स वर्सेस कार्स। मेरे को तो पता भी नहीं है यार कि कितने राउंड जीत लिए अपन लोग ने, अगर आपको पता है गाइस कमेंट करके बताओ। आई हैव अ फीलिंग कि चॉप ने शायद एक राउंड जीता है, आई थिंक, या भाई मेरे को लगता है चॉप ने सिर्फ एक ही राउंड जीता है गाइस। तो देखते हैं क्या वो हमें हरा पाता है या फिर नहीं, या फिर वो एक नूब के जैसा फिर से मारा जाता है। ओए चॉप के बच्चे फिर से वही स्ट्रेटजी आजमा रहा है तू, पहन के फटे हुए कच्चे। भाई देखो ये फालतू जोक्स मारना बंद करो और स्टंट पे ज्यादा फोकस करो ब्रो। स्टंट पे फोकस नहीं करूंगा दोस्त, मैं यहाँ पर से मस्त गाड़ी लैंड कराऊंगा और तुमको वैसे ही मारूंगा जैसे पिछले राउंड में मारा था अपन लोग ने। ओ शिट इस बार मेरा लगता है गाइस पैर फिसल सकता है, वी आर एट अ वेरी वेरी रिस्की सिचुएशन। और मर गया रे भाई, ये क्या था बताओ यार, मैंने तो भाई अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मेरा बंदे का पैर ही फिसल गया यार। भाई और करो चीटिंग, बना किया था आपको करने के लिए। ऑलराइट गाइस टाइम फॉर राउंड नंबर 6 ऑफ रनर्स वर्सेस कार। अभी तक जो चॉप है उसने 2 राउंड्स जीत लिए हैं, अपन लोग ने 3 राउंड्स जीत लिए हैं, और ये है हमारा 6th राउंड। तो देखते हैं दोस्तों कौन जीतता है, वैसे उम्मीद तो है कि मैं ही जीतूंगा, आई मीन ऑफ कोर्स चॉप के जैसा नूबड़ा अपने को हराएगा, कम ऑन लेट्स बी रियल यार, ये तो भाई इस जन्म में क्यों, अगले जन्म में भी भाई इंपॉसिबल टास्क लगता है, बट फिर भी देखते हैं गाइस चॉप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे तो ज्यादा अच्छा है। ओ भाई 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 अभी उड़ा देता है यार ये बंदा। फॉक्ट भाई क्यों भाई, हालत खराब हो गई ना, चाहता तो आपको वहीं पे उड़ा देता ब्रो। अबे तू
भाई फिर से निकल गया। भाई अब तो ये सही में मारने की कोशिश कर रहा है गाइस। भाई मारने की कोशिश तो मैं कब से कर रहा था, लेकिन ये चीटिंग ही नहीं कंप्लीट होती है ब्रो। अरे नूब आदमी, चल तेरे को एक मौका देता हूँ। गाइस यू नो व्हाट, मैं ना चॉप को एक राउंड दान करता हूँ। आ जाओ दोस्त, अगर तुमने अपनी गाड़ी से अपने को टच भी कर दिया ना तो मान जाऊंगा कि तुम असली प्रो खिलाड़ी हो, और अगर नहीं तो वेल तुम हार जाओगे राउंड, सिंपल इज दैट। बट गाइस देखते हैं। ओ भाई साहब, कोशिश तो पूरी कर रहा है मारने की, बट याद रखना दोस्त तुम भी यहीं पर खड़े थे और अपन लोग भी यहीं पर खड़े हैं, और देख पाते हैं गाइस चॉप को तो मैंने उड़ा दिया था पहले ही राउंड में। यहाँ पर आप लोगों को याद होगा बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, हाथ वाथ हिला के झिंगा लाला डांस कर रहा था इसके ऊपर, और वैसे ही फुल स्पीड में आके अपन लोग ने सारा डांस निकाल दिया इस बंदे का। भाई यार एक जगह छुप के बैठ जाओगे तो कैसे मारूंगा मैं आपको। अरे भैया क्लोज इंपैक्ट मार रहे हो भाई तुम। गाइस लगता है ये सिचुएशन बहुत रिस्की है, यहाँ बैठ जाते हैं। आजा दोस्त यहाँ मारने की कोशिश करो तुम। भाई ये गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन लाओ बोलते हो तो फिर भी कोशिश करता हूँ। ये लो भाई, अरे 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 बेचारा वॉल राइड करते हुए मर गया। सैड लाइफ गाइस। इससे बोलता हूँ भाई ऐसे ऐसे नूब्स के साथ खेलने से अच्छा हम लोगों से सीखो भाई, अपने अपन लोग कितने प्रो है, और हमारी प्रोनेस के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ये देखो पैसे भी उड़ा रहा हूँ भाई, चॉप का बच्चा फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ओहो और भैया ऊपर से निकाल दिया भाई, कितनी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फीलिंग दे दी दोस्त तुमने। लेकिन गाइस अभी जाना पड़ेगा आगे, ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों वेस्ट करने के लिए। ऑलराइट लेट्स गो। बस के ऊपर तो आ चुके हैं गाइस, बट जो सफर है वो अभी भी काफी ज्यादा लंबा है, और उसको पार करने के लिए अपने को यहाँ पर पेशेंस चाहिए। चौप आ रहा है भाई, भाई 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 अंदर चलो अंदर चलो। ऑलराइट क्या बात है दोस्त, इंतजार किया जा रहा है हमारा। तो भाई एक बार बाहर तो निकालो भाई, आपको ऐसा मारूंगा दिमाग ठिकाने आ जाएगा आपका। अबे ओ हेलो मिस्टर, पहले ही बता दूं अगर मैं ये राउंड जीत गया ना सारे राउंड जीत जाऊंगा मैं। और वैसे भी गाइस ये फाइनल राउंड होने वाला है। ये देखो भाई इसने तो प्रेटी मच फ्री टिकट टू विक्ट्री दे दी मेरे को। ऑलराइट एक काम करते हैं गाइस, जाते हैं इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। हाँ अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है भाई तो फिर से बोल रहा हूँ 15,000 लाइक्स, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। बस इतना लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड चॉप मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना पल्लू यहाँ पर भाई डंडा वॉर्स करे, है ना। आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ डंडा वॉर्स कर। अरे अरे ये पहले ही मर गया, डैम इट। ऑलराइट गाइस दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।